हेलो एवरीवन, करंट अफेयर की रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो बीपीएससी 67 प्रीलिम्स सीडीपीओ बिहार एसआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगे। इसका लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में होगा इसका टेक्स्ट, और मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी में कर दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही लैंग्वेज के रिलेटेड। और इस वीडियो को काफी कंसाइज फॉर्मेट में बनाया गया है, उतनी ही डिटेल्स इसमें इंक्लूड की गई है जितना कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको मेमोराइज करने में एक कम समय में आपको ज्यादा लाभ प्रदान कराएगा। उसी का उद्देश्य इस वीडियो को बनाया गया है, तो इसको अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। में जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है पहला स्टेट दिल्ली से, एक सेंटर मान लिया, और दिल्ली से रिलेटेड जितने भी नेशनल इंटरनेशनल कोई भी पर्सनालिटी न्यूज कोई भी स्कीम स्टार्ट की गई है तो उसको एक साथ इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, जो पहला स्कीम है वो है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। इसके जरिए जो है 5,000 रुपया कुल 1,000 विद्यार्थी को दिया जाएगा जो क्लास 9th के होंगे। ओके, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा दिल्ली सरकार की स्कीम है। नेक्स्ट है कि 11th वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल का समिट जो है वो दिल्ली में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, जिसकी एक्रोनिम है आईकोल्ड, और ये सिंपोजियम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन का समिट जो है वो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। रिपोर्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020, इसमें ये बताया गया है कि जो 30 शहर में जो है ना वो 22 शहर भारत के है जो पोल्यूटेड है। ओके, जिसमें एयर क्वालिटी बहुत ही खराब है, और जो दिल्ली है वो दिल्ली वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की जो सबसे पोल्यूटेड कैपिटल है वो है दिल्ली, और दिल्ली ही जो है वो 10वां सिटी है इन द वर्ल्ड जो मोस्ट पोल्यूटेड है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो गाजियाबाद है वो 2nd सिटी इन द वर्ल्ड है जो पोल्यूटेड है। ओके, फर्स्ट है दिल्ली और दूसरी है गाजियाबाद, और दिल्ली जो है वो पहली कैपिटल है जो मोस्ट पोल्यूटेड है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया कोरियन बायलेटरल फ्रेंडशिप पार्क बनाया गया है नई दिल्ली में। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है इसका ऑर्गेनाइज किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड बैंक्स ऑफ गवर्नर मीटिंग का सबमिट किया गया नई दिल्ली में, और आपको जैसा पता है कि इस बार ब्रिक्स का सबमिट जो है चेयर कर रही है वो इंडिया। ओके, ये भी सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है नई दिल्ली में। वर्ल्ड सिटीज एंड कल्चर फोरम को रिप्रेजेंट किया है इंडिया एज वेल एज नई दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने, दोनों स्टेट और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है अरविंद केजरीवाल ने वर्ल्ड सिटी एंड कल्चर फोरम में। ओके, नेक्स्ट है प्राइम ग्लोबल इंडेक्स एक रिपोर्ट है जिसमें दिल्ली का स्थान है 40। ओके, प्राइम ग्लोबल इंडेक्स एनवायरमेंट रिक्स आउटलुक 2021 में बताया गया है जो सबसे ज्यादा रिक्स है, ठीक है, उसमें है जकार्ता वर्ल्ड में और दिल्ली है इंडिया लेवल पे। ओके, नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु का रैंक फर्स्ट है और दिल्ली जो है वो सबसे वर्स्ट है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना स्कीम है दिल्ली सरकार की, ठीक है, कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे स्टेट ने बहुत सारे स्कीम को लाया है, तो आप अलग अलग स्टेट में हम इसको देखेंगे। अभी मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना जो है वो दिल्ली सरकार की स्कीम है। गूगल क्लाउड बनाया जा रहा है न्यू क्लाउड रीजन NCR दिल्ली में। दिल्ली और गूगल के बीच एक MOU साइन हुआ है जिससे ये रियल टाइम बस को प्रोवाइड कराएगी। ओके, नेक्स्ट है सेफ सिटी इंडेक्स, ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, और इसमें दिल्ली का रैंक है 48 और मुंबई का रैंक है 50। सेफ सिटी इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया है। इंडिया का पहला स्मोक टावर दिल्ली में लगाया गया है जो 20 मीटर लंबा है। ओके, सिंट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कतर का है, और दिल्ली का एयरपोर्ट को मिला है 45। ओके, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है IGI, पहला फंक्शनल स्मोक टावर दिल्ली में लगाया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। ओके, पहला फंक्शनल स्मोक टावर और पहला स्मोक टावर दिल्ली। ओके, नेक्स्ट मुझे बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम करिकुलम है जो इंक्लूड किया गया एंटरप्रेन्योर माइंडशिप को लेके दिल्ली सरकार के द्वारा। मोबाइल म्यूजिक बस क्लासरूम प्रोग्राम इंक्लूड किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, दिल्ली के स्कूल्स में। हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है न्यू दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑपरेशन सतर्क जो है ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। देश के मेंटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है दिल्ली के द्वारा। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2020 नई दिल्ली प्रारंभ। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट ऑर्गेनाइज की गई है नई दिल्ली में। दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र विद्यालय संगठन जो है वो ओक रिज एनर्जी के द्वारा पूरे स्कूल को सोलराइज करेगी। ओके, तमिल एकेडमी बनाया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, दिल्ली के स्कूल्स में। अब नेक्स्ट जो हम स्टेट लिए हैं सेंटर में वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो चलिए देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड क्या न्यूज है। 850 मेगावाट का रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है चेनाब रिवर के ऊपर। तो जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी पूछा जाता है कि कितना मेगावाट का है, तो ये है 850 मेगावाट और इसको चेनाब रिवर पे बनाया जा रहा है। ओके,
मौर्य सुडान जो है वो पहली वुमेन फाइटर पायलट बन गई है जम्मू से, मौर्य सुडान। फ्लोटिंग एटीएम डाल लेक पे एसबीआई के द्वारा बनाया जा रहा है। इससे पहले भी केरला में एसबीआई के द्वारा फ्लोटिंग एटीएम बनाया गया था। और वही फ्लोटिंग लाइब्रेरी की बात करें तो वो वेस्ट बंगाल में है, इसको आप याद रखिएगा। पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम जो है ये ओम बिरला के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। ओम बिरला हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। साथ एक प्रोग्राम है रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोग्राम जो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया है। वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर में, इसके द्वारा पंचायतों को डिजिटाइज किया जाएगा। ओके, एप्पल फेस्टिवल बनाया गया है श्रीनगर में और नेशनल फोल्क डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज की गई है जम्मू एंड कश्मीर में। तो दो फेस्टिवल हो गया आपका, एप्पल फेस्टिवल और श्रीनगर फेस्टिवल। जीआई टैग से भी रिलेटेड जितने भी पॉइंट वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो ये गुच्ची मशरूम को जम्मू एंड कश्मीर का अभी हाल ही में इसे जीआई टैग मिला है। ओके, गुच्ची मशरूम। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है लद्दाख। ओके, योन टैब स्कीम लॉन्च किया गया, इसके जरिए जो है विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा। ओके, लद्दाख ने सारे गवर्नमेंट जॉब्स को अपने रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया। ओके, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है एनटीपीसी के द्वारा बनाया जा रहा है लद्दाख में। लद्दाख और सिक्किम के बीच एमयू साइन हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि सिक्किम जो है वो लद्दाख को हेल्प करेगा ऑर्गेनिक स्टेट बनने में, और सिक्किम ही इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। ओके, हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया जा रहा है बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एट उमलिंगला पास जो कि लद्दाख में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 19,300 फीट। ओके, नेक्स्ट है लद्दाख ने अपना स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल घोषित किया अभी रिसेंटली। जो स्टेट बर्ड है वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन और स्टेट एनिमल जो है वो है स्नो लियोपार्ड। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग जो खादी क्लॉथ से बना हुआ है जिसकी लंबाई है 225 फीट और जो चौड़ाई है वो है 150 फीट। ओके, और ये होस्ट किया गया है लद्दाख में। पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, देखिए जिस भी करंट अफेयर में पहला लग गया या वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो या वो भारत का पहला, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस पे आप खास ध्यान देंगे। जो ONGC के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो पूगा लद्दाख में बनाया जा रहा है, पूगा विलेज है लद्दाख में। ओके, पहला जो आइस हॉकी कप 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया था लेह में, इस हॉकी कप को जीता है लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर टीम के द्वारा। ओके, पहला आइस हॉकी कप। और 50 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है 50 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसको देखेंगे हम लोग, जैसा कि वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके बीच, इंडिया और यूएस के बीच, और ये ऑर्गेनाइज की गई है हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो इससे आपका एक्सरसाइज का भी करंट अफेयर हो गया कंप्लीट, और किस स्टेट में हुआ है ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, पर्वत धारा योजना है हिमाचल प्रदेश सरकार की जिसके जरिए जो है कंजर्व की जाएगी नेचुरल वाटर रिसोर्सेस को। ओके, आयुष घर आपके द्वार, ये होम आइसोलेशन से रिलेटेड स्कीम है COVID-19 से रिलेटेड, आयुष आपके घर द्वार। ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है ऊना हिमाचल प्रदेश में लगाया गया है, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। और पहला ग्रेन ATM बनाया गया है कहां, गुरुग्राम में। ओके, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है और ये है ग्रेन बेस्ड ATM। ठीक है,